सभी का चंचल किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पैनकेक। इसके लिए लिया है मैंने, ये लिए मैंने पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा मिल्क पाउडर, मक्खन, मैदा, ये लिया बेकिंग पाउडर आधा चुटकी से थोड़ा ज़्यादा, और बेकिंग सोडा और दूध जो नॉर्मल टेम्परेचर पर मैंने अपना कर लिया है। पहले मैंने इसमें भी थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है, इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ले लिया है। इसे मैं हल्के हाथ से दबाते हुए मिक्स करना है इसे पहले, और उसमें अपनी पीसी हुई चीनी डालते जाना है, और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पहले हमें। आपको हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिल गया है। मैंने इसे बीटर से थोड़ा सा मिलाया था, फिर मैंने इसे चम्मच की सहायता से मिक्स किया है अच्छी तरह से। चम्मच से बहुत जल्दी मिक्स हो गया, इसे हमें बहुत अच्छी तरह से फेंटना है जब तक हमारा ये बैटर बिल्कुल चिकना ना हो जाए। हम इसे यू करके चेक कर लेंगे, अगर इसमें हमें चीनी के रेसे से लग रहे हैं तो यानी हमारा बैटर अभी तैयार नहीं हुआ, इसे हमें भी और फेंटना है। हम इसे जब तक फेटेंगे, जब तक हमारे को हाथ में लगाने के बाद एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ना लगे। हमने काफी अच्छी तरह से फेट लिया है, आप देख सकते हैं ये काफी चिकना भी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना मक्खन, मैदा। हम मैदा को एक छन्नी में डाल लेंगे और धीरे धीरे करके इसे छानते रहेंगे। और इसी टाइम पे हम अपना बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये दोनों चीजें मिक्स कर लेंगे। सब चीजों को आपस में मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह से पहले। अब हम इसमें धीरे धीरे करके दूध छोड़ते जाएंगे, हम एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे जितने हमें जरूरत है। और इसे मिक्स करते जाएंगे, इसे भी हमें अच्छी तरह से फेंटना है कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। आप देख सकते हैं अभी ये बहुत गाढ़ा है, अब इसे हमें और पतला करना है थोड़ा सा, इसलिए दूध थोड़ा सा और ऐड करेंगे इसमें, और फिर से हल्के हाथ से चलाते हुए मिक्स करेंगे। साथ में इसमें इस टाइम हम अपना जो मिल्क पाउडर है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें वनीला एसिड डालेंगे कलर के लिए, इससे महक भी अच्छी आएगी। इसकी कुछ बूंदे ही डालेंगे हम, आप देख सकते हैं हमने कितना सा लिया है इसे, इतना सा ही हम इसमें डालेंगे बस, और सब चीजों को मिक्स कर देंगे। हमारा डो बन के तैयार है, आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से इसकी स्किन वो चाहिए थी थिकनेस। आप इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे जिससे हमारा मैदा फूल जाए अच्छी तरह से, और जब हम पैनकेक बनाए तो हमारे पैनकेक फूले फूले बने
और मैंने एक ग्लास दूध लिया था उसमें से इतना ग्लास दूध बच गया है। मैं इसे भी ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। दस मिनट बाद हम अपने पैनकेक बनाना शुरू करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। हमारा बैटर काफ़ी अच्छी तरह से फूल भी चुका है। अब हम अपने पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी गैस ऑन कर लिया है, इस पर हमने तवा रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो रहा है। आप चाहें तो इसमें मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका मन मक्खन का नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा मक्खन डाल रही हूँ इसमें और इसे ग्रीस कर दूंगी। और मैं इसे एक चमचा भर के अपना बैटर डाल दूंगी। ये अपनी शेप खुद ही ले लेगा, हमें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। और 2 मिनट लगेंगे इसे बनने में। आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे करके बबल्स आने लगे हैं। इसी तरीके से इसमें पूरे में बबल्स आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पैनकेक नीचे से बनके तैयार हो चुका है। फिर हम इसे पलट देंगे। हम बीच में से चेक करते रहेंगे थोड़ा सा साइड से। इसने साइडें छोड़ दी है। इसे हम पलट देंगे हल्के हाथ से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरीके से मैं अपने सारे पैनकेक सेक लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हमारा पहला पैनकेक बनके तैयार है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। देखिए अब मैं आपको सारे बना के उसके बाद दोबारा से बताती हूँ। हमारे पैनकेक बनके तैयार है। एक पे मैंने चॉकलेट की वो करी है, सजाया चॉकलेट से। एक पे मैंने मक्खन रखा है। और अगर मेरा बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप चाहो तो चॉकलेट की जगह आप हनी डाल के भी खा सकते हो। मक्खन, हनी, चॉकलेट आप किसी चीज़ से भी इसे खा सकते हो, वैसे भी खा सकते हो बिना उनके डाले भी।